जो यहाँ बरामद हुई है, ठीक, लड़की को उसके मरीज के साथ हम लेके जा रहे हैं, उसको बयान करा के दे जाओ। लोग मिले थे ऑनलाइन, वो क्या कहेंगे, वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे झूठा कि हम, क्या आरोप लगा रहे हैं कि ये इन्होंने हमको किडनैप किया है, पर ऐसा कुछ है नहीं है, हम अपने मर्जी से आए हैं। क्या नाम हुआ? एम बी नौसाद आलम। क्या नाम हुआ? एम बी नौसाद आलम। आपका नाम? कायनात बानो। दिक्कत क्या है अभी? दिक्कत ये है कि इनके फैमिली वाले झूठा आरोप लगा करके फंसा रहे हैं हम लोगों को। आपने शादी कब की थी? 2 फरवरी को। 2 फरवरी। 2 फरवरी। आपसे अफेयर आप लोगों का कब से चल रहा था? डेढ़ साल से। आपने कहाँ पे शादी की? बोकारो में। बोकारो में शादी की। आप क्या कर रहे हैं अभी? प्रेजेंट हैं। जॉब। अच्छा, और आप? अभी मैं स्टडी करती थी। स्टडी। उम्र क्या हुआ आपका? 21। और आपका? 27। आप पहली ये बात बताइए कि आप लोग कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे, और उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई? लोग मिले थे ऑनलाइन। प्रॉब्लम कुछ नहीं था, प्रॉब्लम ये सडनली इनका शादी का ये हो गया कि मतलब आदमी सडनली डिसीजन हम लोग लिए शादी करेंगे। मतलब ये जो आप लोगों का प्यार था ये ऑनलाइन के जरिए हुआ? हाँ। उसके बाद आप लोग मिले कहाँ? मिले इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। हाँ। आपका घर कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। अपने अपने मर्जी से, मतलब? हाँ, अपने मर्जी से हमने सब कुछ किया। अभी क्या चाहते हैं? अभी ससुराल में रहना चाहते हैं हम। ससुराल में रहना चाहते हैं। आपके पिताजी का घर कहाँ हुआ? वही इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। और आपके माता पिता क्या कह रहे हैं अभी आपको? वो क्या कहेंगे, वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे झूठा कि हम, क्या आरोप लगा रहे हैं कि ये इन्होंने हमको किडनैप किया है, पर ऐसा कुछ है नहीं है, हम अपने मर्जी से आए हैं। आप अपनी मर्जी से आए हैं। आपका घर कहाँ हुआ? बोकारो गोड्डा दोनों। बोकारो गोड्डा रहते कहाँ? रहते हम गोड्डा में। गोड्डा में। गोड्डा में क्या करते हैं? गोड्डा में मतलब मैं रहता हूँ, बाहर में हूँ। अच्छा, जॉब करता हूँ। बाहर में जॉब करते हैं। घर आपका गोड्डा भी हुआ। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? पुलिस में सिलेंडर करने की क्यों बात आ रही है? क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये इन्होंने हमें कहते हैं किडनैप किया है, पर ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपने मर्जी से आए हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा फिश बिजनेसमैन है। क्या? फिश बिजनेसमैन है। आपका नाम? मोहम्मद नौसाद आलम। आपका नाम? कायनात बानो। कितने दिन पहले से ये दोस्ती है? एक डेढ़ साल। एक डेढ़ साल चली। उसके बाद फिर इंडिया में जब कब आए? 22 जनवरी। फिर उसके बाद कहाँ गए तुम? उसके बाद बनारस में मुलाकात हुई, फिर इलाहाबाद से वो मेरे साथ आए, फिर हम लोग 3-4 दिन रहे, फिर बोकारो आए। बोकारो आने के बाद 2 तारीख को शादी की है। फिर कोर्ट में भी अप्लाई? कोर्ट में भी, उसी दिन कोर्ट में अप्लाई करके फिर शादी निकाह किया रात में। अच्छा, इतने दिन में तो बीच में तुमको पता नहीं चला कि शादीशुदा थी? नहीं, बताई भी नहीं वो शादी। अब मतलब आज मालूम चला ये चीज़। आज जो यहाँ बरामद हुई है, ठीक, लड़की को उसके मरीज के साथ हम लेके जा रहे हैं, उसको बयान ऑन करा के दे जाओ। सर, कहाँ से हुई थी ये घटना? ये फूलपुर थाना फूलपुर जनता प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अच्छा, वहाँ से लड़की के मामले में दर्ज हुआ था जी। तो ये कहाँ मिली हम लोग को? यही गोड्डा मिली। किस मोहल्ला है? लहरी। मामला कब का सर? मामला 28 तारीख को लिखा गया है। 28 जनवरी। लड़की शादी शुद्ध थी? लड़की शादी तो अभी लड़की को बरामद करके आपने? जी सर, बरामद करके लड़की को लिया।